मैं राकेश प्रकाश सिंह विधायक गौरीगंज अमेठी, पिछले 9 दिन से लगातार धरना और 6 दिन से आमरण अनशन पर हूँ। पहले गांधी प्रतिमा पर GPO चौराहे पर रहा 2 दिन, उसके बाद जबरदस्ती पुलिस ने बर्बरता तरीके से सिविल अस्पताल लाके मेरे हाथ पैर को बांध के मुझे ट्रिप लगा दिया और अनशन तोड़वाने का प्रयास किया। लेकिन मैंने भी संकल्पित हुआ हूँ मैं कि जब तक मेरी बातों को नहीं माना जाएगा, मेरी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, तब तक मैं कुछ ना ग्रहण करूंगा, ना अन्न ना जल। मेरी मांग कोई ऐसी नहीं है कि मैं अपने लिए प्रतिष्ठा मांग रहा हूँ, मैं कोई सरकार से मकान अपने लिए मांग रहा हूँ, सुरक्षा मांग रहा हूँ। मेरी जो मांग है वो भी आप तक पहुँचनी जरूरी है। PMGFY के द्वारा PWD कार्यदायी संस्था है अमेठी में, 2 फर्कों का निर्माण होता है। एक फर्क 2016 जून में बनती है, दूसरी नवंबर में बनती है अकफोला में, जिसका रख रखाव विभाग को और ठेकेदार को 5 साल तक करना था, जो जून 21 और नवंबर 21 में पूरा होता। 1 साल बाद ही फर्क में गड्ढे होने शुरू हुए। 2 साल का विभाग और ठेकेदार की मिली भगत से पैसा निकाल लिया गया, मरम्मत का एक भी गिट्टी नहीं डाली गई। जब मैंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा तो उन्होंने कहा 15 दिन में सड़कें बन जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। 21 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आता है, लेकिन सड़क पे एक गिट्टी नहीं डाली जाती। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री कोई निर्देश दे और काम ना हो। उसके बाद मैंने इस मामले को प्राकलन समिति में उठाया। अमेठी के 3 जिला अधिकारियों ने लिखा अधिकारियों को, पर संबंधितों को, लेकिन प्राकलन समिति में भी उठने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि इस प्रकरण पे एक स्टेट लेवल की कमेटी बना के जांच करवाई जाए। तो जांच कमेटी जाती है, जांच कमेटी के साथ मैं भी जाता हूँ, फर्क ध्वस्त पाई जाती है, मानक के अनुरूप बनी नहीं पाई जाती है, लेकिन अधिकारी गलत रिपोर्ट दे देते हैं कि नहीं फर्क मानक के अनुरूप बनी थी। एक्सप्रेस वे की ओवरलोड ट्रकों के चलने की वजह से ये फर्क टूट गई। फिर मैं कमेटी में लगाता हूँ तो मेरा सीधा प्रश्न होता है कि फर्क चाहे एक्सप्रेस वे की ट्रकों से टूटी हो, चाहे खराब बनने की वजह से टूटी हो, लेकिन फर्क का निर्माण हो जाना चाहिए, जनता के सुगम आवागमन की व्यवस्था हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं समिति में रखा कि अब इस समिति की उप समिति बना के प्राकलन समिति की स्वयं निरीक्षण कर लिया जाए। तो प्राकलन समिति के माननीय सभापति जी, 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के, सीईओ PMGFY मुख्य कार्यपालक, PMGFY जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के, उनके साथ सभी अधिकारियों के मौजूदगी में 5 जनवरी 2021 को इस सड़क का निरीक्षण होता है और सड़क पूरी तरह से ध्वस्त पाई जाती है, मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती। और मैं शपथ आप लोगों से कह सकता हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं कि उस समय 5 जनवरी को जब टेम्परेचर 3-4-5 होता है तो सभी अधिकारियों के कर्मचारियों के शरीर पे पूरे पसीने हो गए थे, सर का पसीना पैर पर पहुंच गया था उस सड़क की स्थिति देख के जब खुदाई हुई तो। लेकिन माननीय सभापति जी प्राकलन समेत निर्देश देते हैं कि 1 महीने के अंदर इस सड़क को बनवा दिया जाए, फिर भी सड़क पे एक गिट्टी नहीं पड़ती। तो मजबूरन इस पूरे प्रकरण को मैं सदन में ले आता हूँ और 23 फरवरी को सदन में लगाता हूँ। 25 फरवरी को सदन में सरकार का जवाब आता है कि 3 महीने से भी न्यूनतम समय में ये दोनों फर्के बनवा दी जाएंगी। आज उस आश्वासन को आए भी लगभग 8 महीने से ज्यादा हो गया है और एक भी गिट्टी नहीं पड़ी है। 2 अक्टूबर को मैं जिलाधिकारी अमेठी को ज्ञापन देता हूँ,
सभी माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय ग्राम विकास मंत्री को, सभी अधिकारियों को, माननीय स्मृति ईरानी जी को जो भारत सरकार में मंत्री हैं और सांसद हैं हमारी, उनको भी कॉपी करता हूं। अपर मुख्य सचिव पीएमजीएफआई, सीओ पीएमजीएफआई, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास, अपर मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी को भी मैं कॉपी करता हूं। और 4 तारीख को जिलाधिकारी अमेठी भी सबको पत्र लिखते हैं, सबकी कॉपियां हैं कि मैं इस तरह से अगर मेरी मांगे 31 अक्टूबर पटेल जी की जयंती तक नहीं मानी जाती तो मैं अपने पद से, विधायकी के पद से इस्तीफा देकर अनावरत अनशन करूंगा, फिर आमरण अनशन करूंगा। लेकिन इस सरकार में बैठे तुगलकी मिजाज के अधिकारी ना तो सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की बात मानते हैं, ना विधानसभा में दिए गए आश्वासनों को पूरा करते हैं, ना समिति के निर्देश को मानते हैं, तो मजबूरन दोस्तों मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अनशन करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और 6 दिन से मैं लगातार आमरण अनशन पे हूँ, अनजल त्याग चुका हूँ, मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, की टोन मेरा 2 के ऊपर हो गया है, किडनी पे भी असर हो चुका है, कैल्शियम हमारा 1.07 हो चुका है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, बस आपका साथ रहे, आपका हम पे विश्वास रहे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फर्क तो सरकार को बनानी पड़ेगी, मेरी जायज मांग है, और इस सरकार को, ये सरकार या तो फर्क बनाएगी या तो आपके विधायक को शमशान ले जाएगी। तय करना है सरकार को कि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को मरने देगी या उस जायज जो मांग है 21 तक जिस फर्क को ठीक रखनी थी उसको बनवाएगी। अब ये सरकार तय करे, ये मैं सरकार पर छोड़ता हूँ। मैं अपने अंतिम सांस, शरीर के अंतिम बूंद खून और जीवन के अंतिम सांस तक इस दोनों मुद्दे पे संघर्ष करता रहूंगा, ये आप सब विश्वास रखिए, बस आपका विश्वास बना रहे हम पे। बहुत बहुत धन्यवाद।